दोस्तों, CGS कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकॉन को दबाकर सभी वीडियोस की अपडेट्स भी पाइए। तो इसमें जो पहला सेगमेंट मैंने आपको बताया, 15% जो हमारे आएंगे हिंदी भाषा में, कहाँ से? गद्यांश या पद्यांश से। गद्यांश या पद्यांश, अगर दोनों, अगर लैंग्वेज वन है तो दोनों आएंगे, अगर लैंग्वेज टू है तो 100% गद्यांश आएगा। ये तो समझ आएगा। इसमें होगा ये, देखो कि लगभग आपके, मैं कहूँ 4 से 6 प्रश्न 15 में से ऐसे होंगे जो कि सीधे सीधे पूछे गए होंगे, कहाँ से? पैराग्राफ से। क्लियर हुआ? सीधे सीधे पूछे गए प्रश्न। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई घुमाव फिराव नहीं होगा, उसका पूरा उत्तर उसी पैराग्राफ के अंदर दिया गया होगा। आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आप केयरफुली, ध्यानपूर्वक उस पैराग्राफ को पढ़ें, उस प्रश्न को पढ़ें, उनके विकल्पों को देखें और विकल्पों में से चयनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली सही आंसर चुन लें। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज पीछे से कोई चाहिए ही नहीं। क्लियर हुआ? ये 4 प्रश्न करने के लिए या 6 प्रश्न करने के लिए आपको पीछे की कोई जानकारी हिंदी भाषा की है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन सॉल्व दैट ऑन द स्पॉट, वहीं की वहीं पढ़ के कर लोगे। ठीक है? इसको हम बोलते हैं जनरली क्या? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जिसमें क्या पूछी गई है, कोई ना कोई सूचना पूछी गई है, कोई ना कोई फैक्ट पूछा गया है, और वो सूचना और फैक्ट कहाँ दिया हुआ है? पैराग्राफ। क्लियर? जैसे मान लीजिए कोई गद्य है, मान लीजिए गद्य ऐसा है कि जी पंडित मदन मोहन मालवीय भारत के बहुत ही बड़े शिक्षाविद रहे हैं, और उन्होंने अपने जीवन काल में एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो हासिल की वो ये कि उन्होंने देश को एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण संस्थान दिया, जिसका नाम उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रखा, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय रखा, जिसे कि BHU भी कहा जाता है। यह बनारस में स्थित है, हालांकि अब इसकी कई शाखाएं भी खुलने लगी हैं। ये पैराग्राफ और भी है, और कुछ नीचे प्रश्न क्या पूछा कि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इस देश को दिया गया सबसे बड़ा योगदान क्या है? एक अब ऑप्शन दे दिया कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए बहुत प्रयास किया, दूसरा दे दिया कि उन्होंने एक रंगमंच की स्थापना की, तीसरा दे दिया कि उन्होंने एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्या करेक्ट है? ऑब्वियसली। तो क्या इसके लिए हिंदी भाषा का ज्ञान चाहिए था हमें? नहीं चाहिए था। पर चलिए क्या था हमें? कंसंट्रेशन। वी नीड टू कंसंट्रेट इट, वी नीड टू हैव कंसंट्रेशन ऑन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ और द पोएट्री सेक्शन। वी नीड टू सीरियसली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और जितने भी ऑप्शन है उनको पढ़ना है हमें, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि पहले ऑप्शन में कुछ मिलती जुलती बात आई, टिक कर दिया, 3 ऑप्शन पढ़े नहीं आगे, क्योंकि हो सकता है बाकी के 3 में ज्यादा बात सही निकल जाए, कोई ऑप्शन ज्यादा सटीक मिल जाए, ज्यादा अप्रोप्रिएट मिल जाए, है ना? पहले वाले में थोड़ी बात है, दूसरे वाले में पूरी बात है, हम पूरी बात को सेलेक्ट करेंगे। तो पढ़ना सारे ऑप्शन से, फिर सेलेक्ट करना। ठीक, ये वाले प्रश्न होंगे। इसके बाद हम देखें अगर, तो लगभग आप मान के चलो कि इतने ही, यानी यार थोड़ा बहुत कम मान लो 3 से 5 प्रश्न कैसे होंगे? ये होंगे समझ पर आधारित, हम इसको ऐसे कहते हैं कि समझ पर आधारित प्रश्न होंगे। आई बात समझ में? समझ पर आधारित। किसकी समझ पर आधारित? पैराग्राफ की हमारी समझ, है ना? एंड देखो कॉम्प्रिहेंशन का जनरली मतलब होता है, यही होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मींस व्हाट इज योर एबिलिटी टू रीड अ पर्टिकुलर अनसीन पैसेज, अनसीन पैराग्राफ, एंड व्हाट इज योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ दैट पैराग्राफ एट द सेम टाइम, नहीं कि हमने कोई चीज नहीं पढ़ी, पढ़कर उसको हमने कितनी गहराई में, कितनी बेहतर तरीके से समझा, समझ के हमने उसमें से क्या निष्कर्ष निकाला। तो कई सारे क्वेश्चन आप सीटेट में पाओगे जहाँ आपको पूछेंगे कि जी उपरोक्त पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, या कवि के द्वारा किस प्रकार का संदेश देने की कोशिश की गई है। अब 4 संदेश दिए होंगे ऑप्शन में, कोई एक ही सही होगा, लेकिन वो डायरेक्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ नहीं है। वो आपको पोएम पढ़नी है, समझनी है, जो भी कवि का लक्ष्य है, जो भी कवि कहना चाह रहा है, या जो भी लेखक कहना चाह रहा है अपने गद्य में, उस चीज को आपको क्या करना है? अज्यूम करना है, और अज्यूम करके कंक्लूड करके आंसर देना है। तो ये डिपेंड करेगा किस पे? हमारी आपकी एनालिटिकल एबिलिटी पे, है ना? कि भाई हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो दी गई है, मैसेजेस क्या है वो समझ पा रहे हैं। ये कठिन होता है, क्लियर हुआ? इसको सॉल्व करना आसान है, इसमें कंफ्यूजन रहेगी। इसमें क्या होगा, आपको 2 ऑप्शन सही लगेंगे, 3 ऑप्शन सही लगेंगे, सारा सही है, तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज्यादा, इसकी प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। कितने प्रश्न हो जाएंगे हमारे? 7 या फिर 11, 7 से 11 का रेंज हमारा तैयार हो गया। अब बच कितने गए हमारे पास? लगभग 8 बच गए। अगर ये 7 है तो
और अगर ये 11 है कितने बच गए 4 ये तो रेंज बची हमारे पास तो वो जो भी प्रश्न बच गए हमारे पास कितने 4 से लेके हां ये रेंज बचता है 4 से लेके 8 या 8 से लेके 4 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग है ना उल्टा हो जाएगा हमें ये लिखा नहीं जाता ठीक है 4 से लेके 8 प्रश्न जो हमारे पास रहेंगे वो कहां से होंगे ये होंगे बेसिकली देखो भाषा की जानकारी से कौन सी भाषा की जानकारी से हिंदी जब हिंदी पढ़ रहे हो हिंदी की जानकारी की बात करेंगे ना हिंदी भाषा की जानकारी कितनी है आपको ये उस पे डिपेंड करेगा ये आप उसमें पैराग्राफ कितना बढ़िया से पढ़ रहे हो उस पे डिपेंड नहीं करेगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि हिंदी भाषा के बारे में आपने पढ़ा कितना है पहले से सुन कर ने पढ़ाया क्या है सही पढ़ाया अथवा गलत पढ़ाया बेहतर पढ़ाया अथवा खराब पढ़ाया फिर वो इस पे डिपेंड करेगा तो ये क्या है इसके अंदर ये भी नोट कर लो जल्दी से ये जो चार्ट और इसी में मारामारी जाता है बच्चे क्या करते हैं पूरे सेशन यही पढ़ते रहते हैं आता कितना है 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 30 में से ज्यादा नहीं आता इससे ज्यादा लेकिन हम क्या करते रहते हैं ग्रामर पढ़ते रहते हैं संज्ञा क्या है सर्वनाम क्या है विशेषण क्या है क्रिया विशेषण क्या है नहीं तत्सम क्या है तद्भव क्या है उपसर्ग क्या है प्रत्यय क्या है समास क्या है संधि क्या है ये क्या है वो क्या है इसी में भी जाते हैं पूरी जिंदगी में है ना और आता कितना है 3 नंबर का पेपर देखो विशेषण ये होंगे आपको है ना लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है अगर 89 पे रुक रहा है स्कोर तो अगर किसी का 89 या 88 पे रुक रहा है तो उसके लिए तो 2 नंबर या 1 नंबर ही दुनिया है ना उसकी वजह से वो रुक जाएगा उसकी वजह से वो पास हो सकता है तो इसमें करना तो सारा है अब इसमें क्या आएगा देख लेते हैं जल्दी से इसमें 2 खंड बनेंगे क्या क्या बनेगा इस 4 और 8 प्रश्न को डील करने के लिए हमें 2 खंड पढ़ने पड़ेंगे एक भाषा का व्याकरण फिर वह एक खंड क्या करना पड़ेगा भाषा का व्याकरण और दूसरा खंड क्या पढ़ना पड़ेगा भाषा का शब्द भंडार ठीक भाषा का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा और क्या पढ़ना पड़ेगा भाषा का शब्द भंडार इस तरीके से ये 15 प्रश्न हम डील कर पाएंगे हिंदी के सीक्रेट वाले हैं कैसे 15 प्रश्न जो अध्ययन से आप अभ्यास पर आएंगे उनमें से 4 या 6 प्रश्न आएंगे जो डायरेक्टली पूछे गए होंगे सीधे सीधे पूछे गए होंगे इंफॉर्मेटिव नेचर के होंगे जिसका आंसर उसी पैराग्राफ या पोएट्री में दिया होगा और आप पढ़ के सॉल्व कर सकते होंगे 3 से 5 प्रश्न होंगे जो उसकी अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होंगे इसको आपको बड़े ध्यान से समझना होगा पहले समझने के बाद क्वेश्चंस के डिमांड के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा इसमें शीर्षक पूछ सकते हैं कई बार क्या करते हैं एक अध्यांश देते हैं अध्यांश देते हैं और पूछते हैं कि जी इसका उचित शीर्षक क्या होना चाहिए 4 शीर्षक होता है टाइटल देते हैं आपसे पूछने कौन सा बेस्ट होगा ठीक या फिर पूछते हैं कि इसमें निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन उपरोक्त पैराग्राफ के अनुसार उचित नहीं है या सही नहीं है यानी उसमें जो बात कही गई है ना उस बात से मिलता जुलता कौन सा है और उससे अगेंस्ट कौन सा है अब ये तो अंडरस्टैंडिंग पे आएगा उसमें तो लिखा नहीं मिलेगा ही है ना तो क्या पूछ रहे कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है कौन सा सही नहीं है या कौन सा उचित नहीं है क्लियर हुआ तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बनते हैं वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा उसके बाद 4 से 8 प्रश्न आपके भाषा की जानकारी वाले हैं यानी कि इतिहास है कहाँ से व्याकरण और शब्द भंडार अब इसमें भी अगर आप देखोगे ना मुश्किल से 2 या 3 प्रश्न आपके रहेंगे कहाँ से व्याकरण से और ज्यादा रहेंगे यानी कि 3 से हम कहें मान लो अगर 4 प्रश्न लगभग लगभग आपके कहाँ से रहेंगे शब्द भंडार कोई 4 अगर आ गया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 8 हो जाएंगे यहाँ 3 आएगा यहाँ 5 हो सकता है इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाएगा लगभग लगभग ये कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं बट इसकी ऐसे ही निकल के आए मेरे 5-6 साल जो भी पेपर हुए ठीक है तो शब्द भंडार और क्या व्याकरण शब्द भंडार में मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना होगा देखो क्या आना चाहिए हमें तो विलोम शब्द लिख लो इसके अंदर विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द फिर वन इसके अलावा मुहावरे लोकोक्तियां मुहावरे और लोकोक्तियां या कहावतें ठीक है इस पर आधारित प्रश्न भी हो सकते हैं इसके अलावा वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो सकता है और क्या हो सकता है शब्दार्थ हो सकता है किसी शब्द का पैराग्राफ से उठा के पूछते कि इसका सही अर्थ क्या बताओ है ना पैराग्राफ में कोई शब्द आए हुए हैं तो पैराग्राफ के अंदर कोई वर्ड यूज हुआ है थोड़ा सा कठिन है या मान लीजिए थोड़ा सा ऐसा है कि भाई उसके कई सारे अर्थ भी हो सकते हैं तो क्या पूछ सकता है कि इस पैराग्राफ के अंदर प्रयुक्त हुआ ये शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ की ओर इशारा करता है कई सारे ऐसे शब्द होते हैं मान लो एक शब्द क्या है एक शब्द है वर्ण ठीक है ना
क्या है वर्ण। अब वर्ण जो शब्द है ठीक है, इस वर्ण शब्द के एक ही अर्थ है कई सारे अर्थ है अलग अलग। मान लीजिए मैंने पैराग्राफ में ये बोला आपको कि हिंदी भाषा सीखने से पूर्व आपको हिंदी भाषा के वर्णों की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे वर्ण का क्या मतलब निकला, अक्षर, लेटर नहीं अल्फाबेट, उसे निकला यहाँ पे वर्णमाला। वर्णमाला के अंदर जो अक्षर है उसे वर्ण कहते हैं, उसे निकला। अगर मान लीजिए पैराग्राफ ये ना हो कि क्या है, पैराग्राफ ये है कि भारतीय समाज निम्न विभिन्न वर्णों में विभाजित है, जिसमें से कि एक वर्ण उच्च वर्ण, दूसरा वर्ण निम्न वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे वर्ण किस सेंस में है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के रूप में, सामाजिक स्तरीकरण के रूप में है, समाज के अलग अलग क्लासेस को शो करता है, नहीं क्लासिफिकेशन को दिखाता है, विभाजन को दिखाता है, नहीं कि भाई ये ब्राह्मण हो गया, ये क्षत्रिय हो गया, ये वैश्य हो गया, इस तरीके की बात हो रही है। वहीं तीसरा पैराग्राफ क्या है, तीसरा पैराग्राफ यह है कि प्राकृतिक सुंदरता तब अपने उफान पर होती है जब बादलों के बीच से एक सप्तवर्णी इंद्रधनुष निकलता है। अब यहाँ पे वर्ण किस रूप में है, रंग के रूप में, कई सारे अर्थ है। तो होगा क्या कि पैराग्राफ में यूज हुआ होगा ये, और वहां से उठाएगा पूछेगा कि इस पैराग्राफ में किस शब्द के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ व्यक्त किया गया है। तो हमें पता कैसे चलेगा, जब हमें कॉन्टेक्स्ट का पता होगा। मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, किसी भी शब्द का अर्थ हमेशा एक ही नहीं होता, वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मैं ठीक ठाक बैठा हूँ, सही दिमाग से बैठा हूँ, आप आराम से आते हो, आप कहते हो सर थोड़ा डाउट पूछना था, मैं कहता हूँ रुको बैठो अभी देखता हूँ, क्या बोला मैंने, रुको बैठो अभी देखता हूँ, आप आराम से बैठ के वेट कर लोगे। अब मैं थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब है और आप तो मेरे से ज्यादा डिस्टर्ब है, आप और क्रोध में हो मेरे से भी 10 गुना ज्यादा, और आप कहते हो बाहर निकलो अभी बात कर रही तुमसे, क्या कर रहा तुम्हें बैठ, मैं कहता हूँ अच्छा जी बात करनी है, रुको अभी देखता हूँ तुम्हें, यहाँ पे क्या मतलब हो गया उसी बात के का, अभी देखता हूँ तब भी बोला था, अभी देखता हूँ अभी भी बोल रहा हूँ, बट मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट चेंज है ना, यहाँ पे बात हो रही, देखता हूँ मतलब निपटता हूँ, तुम क्या कर लोगे मेरा, ये वाला सेंस आ गया, वहाँ पे क्या बैठे बैठे बैठो अभी देखता हूँ क्या होगा। तो दोनों में अंतर है, तो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट हमेशा जरूरी होती है भाषा में, शब्द एक ही अर्थ हमेशा व्यक्त नहीं करते, ठीक है, उसके अंदर फिजिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है। ये सर आप पढ़ेंगे पेडागॉजी, जब भाषण कौशल पढ़ेंगे, तो भाषण कौशल में सिर्फ शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी चेहरे की अभिव्यक्तियाँ क्या है, आपकी शारीरिक हाव भाव क्या है, नहीं आपके इमोशनल एक्सप्रेशंस क्या है, उस पे आपके शब्दों का अर्थ निर्भर करता है। तो ऑल दैट वी विल डिस्कस। तो ये 15 प्रश्नों के लिए हमें पढ़ना है, व्याकरण में क्या पढ़ना है, टॉपिक सीखने के लिए जल्दी से, इसमें हमको पढ़ना है समास, इसमें हमको पढ़ना है संधि, ठीक है, इसमें हमको पढ़ना है स्वर और व्यंजन यानी वर्णमाला, ठीक है, स्वर और व्यंजन यानी वर्णमाला के बारे में, क्योंकि व्यंजन कितने प्रकार के, कई बार पूछ देता है कि एक दे देगा, मान लीजिए दे देगा ह, क्या पूछेगा ह, व्यंजन कौन सा व्यंजन है, अब ऑप्शन दे देगा अघोष है, सघोष है, अनुनासिक है, ठीक है ना, अनुस्वार है, हम क्या कहेंगे, सघोष है, तो पता होगा तो कहेंगे है ना सघोष व्यंजन। इसी तरीके से पूछेगा कि जी निम्नलिखित में कौन सा अनुनासिक व्यंजन है, अब उसमें दे देगा क ख त थ न, क्या सही होगा, न, जितने भी वर्णीय व्यंजन है ना, जैसे 5 वर्ण है, क ख ग घ ङ ञ छ छ ज ञ ट ट ट ळ ग ध ग ध ण प प ग म, इन पांचों वर्गों के जो अंतिम अंतिम अक्षर है 5 अङ ञ ळ न म, ये क्या कहलाते हैं, अनुनासिक। इनको बोलने में हमारे नाक का इस्तेमाल है, नासिका का इस्तेमाल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन या फिर नासिकीय व्यंजन, नाक से बोले जाने वाले कंसोनेंट्स, क्लियर। तो वो भी हमें थोड़ी सी जानकारी होगी, स्वर छोटे कौन से हैं, बड़े कौन से हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, समान स्वर, असमान स्वर, ऑल दैट वी विल डिस्कस हियर, ये हो जाएगा। इसके अलावा और भी आगे हमें क्या पढ़ना है, आपको उपसर्ग व प्रत्यय, ठीक, ये भी पढ़ लेंगे। और क्या पढ़ लेंगे, और हम पढ़ लेंगे देखो भिखारी पद और अभिकारी पद, भिखारी पद और अभिकारी पद, ठीक, विकारी और विकारी जब हमने पढ़ लिया तो आप समझो हमने सब पढ़ लिया हिंदी व्याकरण में, क्योंकि इसमें हम संज्ञा भी पढ़ लेंगे, सर्वनाम भी पढ़ लेंगे, क्रिया भी पढ़ लेंगे, विशेषण भी पढ़ लेंगे। विकारी के अंदर विकारी को कौन कौन से चार आएंगे, आपकी क्लासिफिकेशन आपकी अपनी कॉपी में, जो विकारी पद हम अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर पढ़ेंगे संज्ञा, हम इसके अंदर पढ़ेंगे सर्वनाम, हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्रिया, और क्या पढ़ेंगे, विशेषण, एडजेक्टिव, क्लियर होगा, हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, किसके अंदर, विकारी पद,
भिखारी का मतलब ऐसे वाले पद हिंदी भाषा के जो कि चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू केस, कारक के अनुसार, लिंग के अनुसार अथवा वचन के अनुसार जो बदल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अधिकारी। वो पढ़ेंगे अभिकारी, जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे देख लो, यहीं पे नोट कर लो आप। अभिकारी में कोई चेंज नहीं होता, चाहे कारक पूछ रहे हैं, चाहे लिंग पूछ रहे हैं, चाहे वचन कुछ भी नहीं है, हमसे एक जैसे ही रहते हैं अभिकारी वाले, है ना। इसमें मुख्य रूप से कौन से आपने देखो, ये भी लिख लो। पहला आ जाएगा क्रिया विशेषण एडवर्ब, ठीक है ना, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण किसको कहते हैं कोई बताएगा? जो क्रिया की विशेषता होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई तुम अच्छा गाती हो, तो यहाँ पे अच्छा शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, क्योंकि वो गाने की विशेषता है, तुम्हारी विशेषता नहीं है। कोई अच्छा गाता है इसका मतलब कोई इंसान भी अच्छा है जरूरी थोड़ी है, बुरा आदमी भी तो अच्छा गा सकता है। तो जब हम कहेंगे कि तुम अच्छे लड़के हो तो वहाँ पे ये एडवर्ब नहीं है, वहाँ पे ये क्रिया विशेषण नहीं है, वहाँ पे क्या है? सिर्फ विशेषण है, क्योंकि तुम अच्छे लड़के हो, ये लड़के की विशेषता है। जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाएगी तो वो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए ये चेंज होगा। जैसे लड़के के लिए वैसे ही क्या है? अच्छा है। जैसे लड़की के लिए होगा वैसे ही क्या हो जाएगा? तुम अच्छा, वह अच्छा लड़का है और वह अच्छी लड़की है, चेंज हो गया नहीं? ये चेंज होता है। जबकि वह अच्छा गाता है और वह अच्छा गाती है, चेंज नहीं हुआ। गाती है, गाता है, चेंज हुआ, लेकिन अच्छा चेंज क्यों? क्योंकि वो एडवर्ब है, ठीक। ऐसे ही जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो एडवर्ब होंगे, जो व्यक्ति की विशेषता बताएंगे, वस्तु की विशेषता बताएंगे, स्थान की विशेषता बताएंगे वो विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। और ऐसे और भी होते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि तुम तो बड़े तेज हो, या मैंने बोला कि वह तेज लड़का है, और ये क्या हो गया? वह बहुत तेज लड़का है, समझेगा? वह तेज लड़का है, मैं तेज क्या है? विशेषण है। फिर मैंने क्या बोला? वह बहुत तेज लड़का है। अब यहाँ पे तेज की विशेषता क्या है? बहुत होना। एक तो कम तेज हो सकता है, एक ज्यादा तेज हो सकता है, तो बहुत तेज में बहुत क्या है? विशेषण ही, लड़का विशेष है, तेज क्या है? विशेषण। बहुत क्या हो गया? विशेषण की विशेषता यानी क्रिया विशेषण। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं यानी एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स, वो भी क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स, ठीक। उनको भी क्रिया विशेषण कहते हैं, जो कि मतलब इंग्लिश के हिसाब से एडवर्ब कहते हैं, हिंदी में एडवर्ब नहीं कहते। हिंदी में ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। पढ़ेंगे उसको आगे, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से जाओगे तो उनको भी एडवर्ब्स ही कहेंगे, है ना। जैसे ही इज अ गुड गर्ल, ही इज अ वेरी गुड गर्ल, तो वेरी इज व्हाट? एडवर्ब। बट इन हिंदी वेरी इज नॉट एडवर्ब, इट्स कॉल्ड प्रविशेषण, है ना। यहाँ पे इसको हम तीन बनेंगे, यहाँ पे विशेषण, क्रिया विशेषण और प्रविशेषण। प्रविशेषण हो जाएगी वो जो कि या तो विशेषण की विशेषता बता रहे होंगे या तो क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, है ना। वह धीरे चलता है, वह बहुत धीरे चलता है। अब यहाँ पे बहुत क्या कह रहा है? क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। और वह तेज लड़का है, वह बहुत तेज लड़का है, यहाँ पे बहुत क्या कह रहा है? विशेषण की विशेषता बता रहा है। या तो विशेषण की विशेषता बताएगा या तो क्रिया विशेषण की बताएगा, और दोनों ही स्थितियों में उसको हम कहेंगे क्या? क्या कहेंगे उस बहुत को? क्या कहेंगे? प्रविशेषण। बहुत को क्या कहेंगे? प्रविशेषण। तेज को कहेंगे क्रिया विशेषण। यहाँ पे अगर वो लड़के के लिए है, अगर वो उसके चलने के लिए है, तो उसको तेज को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण, है ना। लेकिन प्रविशेषण क्या रहेगा? तो उसका बहुत, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रामर पूरा जाएगा इसमें। एक क्या जाएगा कि प्रव इसमें अभिकारी में संबंध बोधक शब्द, ठीक है ना। एक लिख लो आप समुच्चय बोधक। संबंध बोधक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन, है ना। संबंध बोधक को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। और समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? कंजंक्शन, जो जोड़ते हैं दो शब्दों को या दो वाक्यों को, ठीक। समुच्चय बोधक हो जाएगा। और देखो इसमें क्या पढ़ना है आपको, एक और पढ़ना है आपको जिससे सीटेट को बड़ा प्यार है, क्या? अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कर रहे होंगे गलती से भी, है ना, कर रहे हैं, बुक्स तो मिल चुकी है प्रीवियस ईयर वाली, देखना शुरू किया किसी ने? नहीं, ये सोचा था कि नवरात्रि का पहला दिन आएगा, पहली क्लास होगी, शुभ उद्घाटन होगा हिंदी का, तब बोलेंगे हिंदी वाला सेक्शन, है ना। उसमें निपात सब तो बहुत पूछता है, हर बार एक प्रश्न कम से कम मान के चलो आप निपात का रहता ही रहता है ना, और है कुछ नहीं, एक मिनट में पढ़ने वाली चीज है, एक मिनट से एक नंबर बन सकता है, ठीक है। तो बार बार पूछता है, तो निपात सब पढ़ेंगे, ही भी को तक, ये शब्द क्या है? निपात, है ना भाई, तुम काम करो। और दूसरा वाक्य क्या बोला? तुम भी काम करो। ये भी लगने से वाक्य का अर्थ बदला या नहीं बदला?
अगर मैंने बोला तुम काम करो और मैंने फिर क्या बोला तुम भी काम करो, दोनों में सेंस में चेंज आया, मीनिंग में चेंज आया। पहले वाले में ये नहीं पता था कि तुम काम नहीं करना चाहते हो, लेकिन दूसरे वाले में पता चल गया कि तुम काम नहीं करना चाह रहे हो, तुम बचना चाह रहे हो, और इसीलिए टीचर क्या कह रहा है तुम भी काम करो बाकी इस तरह कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मिडिल मीनिंग आ जाएगी, एक वर्ड मात्र है वो नहीं पा सकते, आपके वाक्य को क्या कहते हैं ज्यादा एक कन्विंसिंग बनाते हैं, ज्यादा फोर्सफुल बनाते हैं, ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, राइट। तो वो भी हम पढ़ लेंगे। एक और इसमें लिख लो आप करें विस्मय आदि बोधक, भी होगा निभाना, ही भी होता है ना कि भाई एक हो सकता था कि मैं कहूँ मैं बाजार जाऊंगा, मैंने क्या बोला मैं बाजार जाऊंगा, साधारण वाक्य, मैंने क्या कहा मैं ही बाजार जाऊंगा, इसका मतलब और कोई नहीं जाएगा, ही लगा देने से एक मीनिंग क्या नया निकल के आ गया कि और कोई नहीं जाएगा सिर्फ मैं जाऊंगा। तो जैसे ये मीनिंग आ गया किसकी वजह से, ही की वजह से, तो ही भी क्या हो जाएगा निपात, है ना। एक बार तुम चालाक हो, तुम चालाक हो, और दूसरा तुम तो चालाक हो, क्या लगाया मैंने नया, तो इससे सेंस क्या चेंज हो गया, तुम चालाक हो, ठीक है फैक्ट बता रहा हूँ, हो तो नहीं हो तो नहीं झूठ बोल रहे सर, कहाँ चालाक हूँ मैं, बड़ा सीधा हूँ, है ना, ये हो सकता था। लेकिन जैसे बोला तुम तो चालाक हो, इसका मतलब बाकी कोई है या नहीं है, तुम्हारा कन्फर्म हो गया कि तुम चालाक नहीं समझे, तो यहाँ पे काटने वाली गुंजाइश नहीं रहेगी कि तुम कह सको कि भैया नहीं मैं नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे प्रूफ मिल चुका है, तभी तो मैं कह रहा हूँ तुम तो चालाक बाकियों का नहीं बस, है ना। तो जहाँ पे हिडन मीनिंग है जैसे तक होता है मेरा इंतजार करना, क्या बोला मेरा इंतजार करना, सामान्य आपने किया 10 मिनट किया 15 मिनट किया 20 मिनट किया, बड़ा टीचर आई नहीं रही, चलो चलते हैं हम घूमने, निकल गए बाहर, मैंने क्या बोला मेरे आने तक इंतजार करना, अब निकल के चलो, नहीं कंडीशन रखी ना यहाँ पे आने तक, चाहे मैं 20 मिनट में हूँ चाहे मैं 1 घंटे में हूँ, आने तक इंतजार करना, तो मैं आगे क्लेम कर सकता हूँ ना, मैंने तो बोला था मेरे आने तक रुकना, क्यों नहीं रुकते जब भी मैं आता। तो जैसे तक लग गया वहां मीनिंग चेंज, तो ये भी तो तक ही ये सब क्या कहलाते हैं, ये बात विस्मय आदि बोधक शब्द कौन से कहेंगे, मतलब जो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, आपको इमोशंस कई प्रकार के होते हैं, खुशी के, खुशी के भी हो सकते हैं, अरे वाह, है ना, अरे वाह, तो ये वाह क्या है, हर्ष बोधक है, प्रसन्नता का सूचक है ना, एक हो सकता है ओह माय गॉड, कहते नहीं ओह क्या हुआ मर गए, नहीं ओह अलास, इंग्लिश अलास बोलते हम हिंदी में क्या बोलते ओह हाय राम, नहीं ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा विषाद बोधक या फिर दुख बोधक, है ना, चिंता सूचक एक हो सकता है, एक होता है आप पर इसे घृणा बोधक भी होता है, छी नहीं कहते छी आ, तो छी क्या है घृणा बोधक विस्मय आदि बोधक, ऐसी आश्चर्य सूचक भी होते हैं, क्या नहीं तो हम क्या कहते हैं आश्चर्य सूचित करते हैं, शॉक हो जाते हैं अरे कब, नहीं यहाँ पे क्या होता है आश्चर्य की सूचना, ये आपके विस्मय आदि बोधक में आते हैं कई प्रकार के होते हैं, उसको हम इसमें शामिल करेंगे, है ना। अब देखो व्याकरण में और क्या पढ़ना है आपको, एक चीज और पढ़नी है, वो क्या है वाक्य संरचना, वाक्य संरचना, हिंदी भाषा की वाक्य संरचना, क्लियर हुआ। अब इसमें क्या होता है कि वाक्य दे दिया जाता है और उस वाक्य के बारे में आपसे पूछ दिया जाता है कि जी कौन सा वाक्य है, ये साधारण वाक्य है मतलब समान जिसको हम कहते हैं ना कि अभिधात्मक वाक्य, है ना, या फिर हम उसको कहते हैं आपका सकारात्मक वाक्य, ऐसे कोई वाक्य देख के पूछ सकते हैं कि ये नकारात्मक वाक्य है या निषेधात्मक है, आज्ञार्थक है ना, विस्मय आदि बोधक है, सर्व बोधक है, ठीक है, प्रेरणार्थक है, क्या है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है वाक्यों के प्रकार के। तो वाक्यों के प्रकार भी दो तरीके से पढ़ेंगे, एक उनके अर्थ के आधार पे जो मैंने अभी उदाहरण लिए, और एक उनकी बनावट के आधार पे, उनके फॉर्मेशन के आधार पे, उनके स्ट्रक्चर के आधार पे, वहां पे हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीन पढ़ लेंगे, है ना, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इसे किस में पढ़ते हैं। तो वाक्य भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक उनके मीनिंग के बेसिस पे जो डिवीजन है उनका वो विभाजन है, और एक उनके अर्थ के आधार पे, और एक दूसरा बनावट के आधार पे, उनके स्ट्रक्चर पे, क्लियर हुआ। तो ये पढ़ लेंगे तो हमारा काम यहाँ पे खत्म। एक और चीज आप ग्रामर में लिख सकते हो चाहो तो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप अपने यहीं पे कंटिन्यू कर दो, है ना, या यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लो लिंग, वचन और कारक, तीन टॉपिक। इसमें भी सीटेट बहुत प्रश्न पूछता है ग्रामर में, एक दो प्रश्न हमेशा इससे आते हैं, जैसे पूछ देगा जी कि पैराग्राफ में कोई शब्द आया हुआ है, अब वो पूछेंगे कि इस वाले शब्द का बहुवचन क्या होगा, जैसे उन्होंने पूछा प्रश्न का बहुवचन क्या होगा, तो बताएगा
उन्होंने क्या पूछा कि प्रश्न शब्द का बहुवचन प्रश्न क्या होगा, ऑप्शन दे दिया प्रश्न, दूसरा ऑप्शन दे दिया प्रश्न, तीसरा ऑप्शन दे दिया प्रश्नों, चौथा ऑप्शन दे दिया प्रश्ने, क्या करेक्ट है? कुछ लोग कहेंगे पहला सही, कुछ लोग कहेंगे तीसरा सही है ना, और तीसरे वाले जो लोग हैं वो कंफ्यूजन में सही कह रहे हैं इसको, क्यों? क्योंकि देखो आप कोई भी एक वाक्य बना के मुझे बताओ जहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है? ये के जो लगा प्रश्नों के बाद वो क्या है, जो प्रश्नों के लगा वो के क्या है, के क्या है कारण, यानी जो प्रश्न का प्रश्न हुआ है क्या ये सिर्फ और सिर्फ बहुवचन करने की वजह से हुआ है या कार्यवाचक की वजह से भी हुआ है? अगर मान लिया जाए एक सेकेंड के लिए कि अगर ये कारक की वजह से प्रश्न हुआ होगा तो क्या उसका उत्तर सही माना जाएगा? यहाँ पे क्या मैंने कारक की वजह से होने वाला चेंज पूछा है या बहुवचन की वजह से होने वाला, यानी क्या पूछा है? बहुवचन वाला। तो अगर मान लीजिए कि इनकी की गई गलती आपकी गलती मान ली जाए तो क्या सही रहे, खुश रहोगे इससे? नहीं, तो ये कारक है, आप बहुवचन हो, आप वचन हो। मैंने क्या पूछा कि वचन की वजह से क्या चेंज हुआ, और इन्होंने क्या बताया कि जी वचन और कारक इन्होंने मिलकर ये चेंज कर दिया, दोनों को मिलके तो पूछ ही नहीं रहा कोई। तो जब भी प्रश्न होगा हमेशा ध्यान रखना कि वो किसकी वजह से हो रहा है, बहुवचन और कारक दोनों की, कहीं ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा जहाँ पे कि प्रश्न का प्रश्न हो जाए और उसके पीछे कारक ना हो। जैसे प्रश्नों के उत्तर दो, प्रश्नों का जवाब लिखो, प्रश्नों के बारे में बताओ, प्रश्नों में से ढूंढो, में के का प्रश्न सही है, लेकिन जब बहुवचन में हम इसका इस्तेमाल बिना कारक के करेंगे तो हमें इसका सही उत्तर मिल जाएगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का उत्तर दिया, मैंने पांच प्रश्नों के उत्तर दिए, एक आ गया तो प्रश्न हो गया, लेकिन जब ये बोला जाए मान लीजिए नीचे पांच प्रश्न दिए गए हैं, हाँ जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला कि नीचे एक प्रश्न दिया गया है, और प्रश्न के बाद सीधे क्या क्रिया दिया गया है, यानी कोई उसमें कार्य चिन्ह नहीं आया एक वचन में, और बहुवचन में इसी को करो, नीचे कई सारे प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों दिए गए लिखते हैं हम लोग नहीं लिखते, तो क्या होगा प्रश्न का बहुवचन? प्रश्न ही होगा, लेकिन जब इस बहुवचन के साथ कारक लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्रश्न। जैसे बेटा है, बेटा का बहुवचन क्या होगा? बेटे होगा ना, बेटों को नहीं होगा, लेकिन जब इस बहुवचन में कारक चिन्ह लग जाएगा तब क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि राम राम शरण का एक बेटा है, तो ये वाक्य हो गया एक वचन का, राम शरण के पांच बेटे हैं बहुवचन हो गया। अब इसी बहुवचन में कारक लगाते हैं, राम शरण के पांच बेटों ने उसे घर से निकाल दिया, बेटों हो गया कि नहीं हो गया तुरंत? पांच बेटे ने घर से निकाल दिया, बोलेंगे क्या? नहीं, क्या बोलेंगे? पांच बेटों ने, बहुवचन विद कारक बेटों हो गया, लेकिन बिना कारक क्या था? बेटे था। हमें हमेशा ध्यान, जब हमसे पूछा जाएगा कि बेटा का बहुवचन बताओ, हम बेटे बताएंगे या बेटों बताएंगे? बेटे बताएंगे, लेकिन बेटों का वो रहा है जब कारक भी लगा, बेटों ने निकाल दिया, वह अपने बेटों के घर गया, वह अपने बेटों में से एक को अपनी संपत्ति देगा, बेटों हर जगह आ रहा है ना, कारक आ रहे, तो ऐसे कई सारे चेंजेस होंगे जो कि कारक की वजह से होते हैं, उसको हम क्या मान लेते हैं? वचन का चेंज, और आंसर गलत हो जाता है ना, तो इसलिए हमें ध्यान रखेंगे इस तरीके से, हमको ढूंढ लेंगे ना कि कौन सा जो है बहुवचन में क्या होगा, और अगर कारक लग गया तो बहुवचन में क्या होगा। जैसे लड़कियां, लड़की का बहुवचन क्या होगा? बताओ, लड़कियां होगा, लेकिन जब कारक लग जाएगा तब लड़कियों हो जाएगा ना। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि भाई लड़की का कारक के साथ बहुवचन रूप बताओ, तब लड़कियों करेंगे, अगर पूछेगा लड़की का बहुवचन क्या होगा तो लड़कियां ही करेंगे, इस तरीके से हमें अंतर पता चल जाएगा है ना, तो ये चीज हम यहाँ पे ध्यान रखें। अब वैसे देखो ना, तो कई बार क्या होगा, एक वचन जो है, जैसे लड़का, लड़का का बहुवचन क्या होता है? लड़के होता है, लेकिन एक वचन में भी लड़के इस्तेमाल होगा कब? जब कारक रहेगा, लड़के ने कहा, अब लड़के ने कहा में लड़के का बहुवचन है, एक वचन के रूप में आ रहा है वाक्य के अंदर, एक ही तो आ रहा है, लड़के ने कहा तो एक ही वचन के रूप में तो प्रयोग हुआ, लेकिन इस्तेमाल शब्द क्या हुआ? बहुवचन वाला, लड़के, क्योंकि लड़के का बहुवचन क्या है भाई, लेकिन यहाँ पे एक वचन है, ने की वजह से लड़के लिखना पड़ेगा। आपने बोला ना कि रामेश्वर के बेटे, तो जो के आ रहा है, के तो कारक है ना, तो रामेश्वर के साथ आ रहा है, रामेश्वर तो संज्ञा है, तो संज्ञा तो एक ही होती है, उसका बहुवचन कैसे होगा? तो शिवम शिवम शिवमो थोड़ी हो जाएगा, अयमो हो सकता है, मुझे फल शिवमो नहीं हो सकता, नाम एक ही का तो होगा ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो एक ही है ना, ये बात, लेकिन जब जातिवाचक होगी तो बहुवचन बनेगी।
वो नाम के बाद आ रहा है, इस वजह से होगा। हाँ, मतलब कारक चिन्ह को देखो, संज्ञा के साथ आएंगे, चाहे एक चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो चाहे वो जातिवाचक, जो जातिवाचक संज्ञाएं होंगी उनका एक वचन भी होता है रूप और बहुवचन रूप भी होता है, बट व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक वचन और बहुवचन रूप तो नहीं होगा, वो तो एक ही व्यक्ति का नाम है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली का क्या बहुवचन रूप होगा क्या? दिल्लियों ऐसे होगा क्या? नहीं होगा, है ना। लेकिन कुछ चीजों का होगा जहाँ पे जातिवाचक जाति सूचक शब्द होंगे, है ना। बर्तन जैसे है तो बर्तन का क्या होगा? बर्तनों तो होगा, ठीक है ना। लेकिन बर्तनों का कारक कैसा? अच्छा, बर्तन का बहुवचन क्या होगा? बर्तन ही होगा, है ना। उसने एक बर्तन खरीदा, उसने कई सारे बर्तन खरीदे, कई सारे में तो बर्तन ही लिख रहा है, एक वचन और बहुवचन इस तरीके से हम पहचानेंगे। कारक छोड़ के पहचानेंगे, कारक लेकर अगर वाक्य बनाएंगे मन में तो गलत करेंगे, कारक छोड़ के वाक्य बनाएंगे तो सही करेंगे। और यही करना भी हम पुरुष को वचन कर रहे हैं, कारक को भी शामिल करें साथ में, ठीक। ये टोटल आपको कुल मिलाकर पढ़ना है, अगर इतना पढ़ लिया तो 30 में से 28 नंबर की मिली करेंगे। पढ़ लिया तब, पढ़ा दिया तो नहीं, पढ़ा तो मैं दूंगा ही, बट आपको पढ़ना भी पड़ेगा साथ, है ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तो काम हमारा बोल जाएगा, क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, ये टॉपिक यहाँ आज से शुरू कर देते हैं, ठीक। अब आपकी च्वाइस बताओ आप मुझे जी, आप कहाँ से पढ़ना चाहते हो।